मुरादाबाद लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के संस्थापक हाजी इकबाल ने महामहिम राज्यपाल को मंडलायुक्त के माध्यम से 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। 3 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया कि मुरादाबाद महानगर शहीद जनपद के अन्य आबादी वाले आवासीय क्षेत्र एवं कॉलोनियों में सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, डेंटल क्लिनिक अधिक धड़ल्ले से चल रहे हैं। अस्पतालों एवं लेबर में बायोमेडिकल वेस्टेज, ऑपरेशन थिएटर में संक्रामित पानी व जनरेटर से धुआं निकलता है, इसकी रोकथाम हेतु अस्पताल प्रबंधन विभिन्न प्रकार के उपाय करता है। क्या नाम है, किस संबंध में? देखिए, मैं ये हाजी मोहम्मद इकबाल कहते हैं, लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का संस्थापक हूँ मैं। आज हमने ज्ञापन मंडल आयोग के थ्रू राज्यपाल महोदय को और उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन को और मनरा के जो मंडल प्रभारी हैं उनको, तीनों कापियाँ हम लोग देकर आ रहे हैं। हमारा कहना यह है कि हम 250 साल से देश की खिदमत कर रहे हैं और प्रदूषण के नाम पर जिस अंदाज से हमारा उत्पीड़न हो रहा है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो मुराद के संसद जो पार्लियामेंट में जो पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखें। आज की तारीख में 50 बेड का नर्सिंग होम वो पिछले 50-40 साल से चला रहे हैं और जहाँ एक बेड की परमिशन यहाँ पर नहीं है सिटी के अंदर, वहाँ 50 बेड का नर्सिंग होम चलाना क्या कितना बड़ा संवैधानिक और कितना कानूनी टाइम है ये मैं नहीं समझ पा रहा। अभी हम जो चेयरमैन हैं उनसे ये बात पूछ कर आ रहे हैं कि जहाँ आप सिटी के अंदर एक बेड की परमिशन नहीं हो पाती, ये 50 बेड का जो अस्पताल चला रहे हैं और जिसे पूरी की पूरी गंदगी, पूरा गंदा पानी, सारा उनका अस्पताल का सारे जरासीम जितने हैं उड़ रहे हैं, तो आखिरकार जो खुद को एक सनत के मुतालिक तो ये कह रहे हैं कि दुनिया का पहला प्रदूषण है, मगर जो उनके घर से प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए उनके पास कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं, मानक नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना ये कि सबसे ये कहा, हमने भी कमिश्नर साहब से भी कहा कि सबसे पहले एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वो फैला रहे हैं। और उसके बाद में हमने प्रदूषण बोर्ड से भी कहा है कि आखिरकार छोटे छोटे लोग कहाँ जाकर तो आप परेशान कर रहे हो, इन दमंग लोगों की परेशान नहीं कर रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे एक मकान है और सिटी के बीच में जिसके अंदर छोटे छोटे रास्ते बनाकर 1.5 फुट 2 फुट का रास्ता है और उसके अंदर इमरजेंसी की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है, 50 बेड आज की तारीख में उनका मौजूद है, ये हमारा मानना है। इस पर हम कार्रवाई की मांग चाहते हैं और मीडिया के दो हम कहना चाहते हैं कि देश की मीडिया पहला थम है, कम से कम इनको इन मेरी जो सफेद कपड़े पहने हुए इंसानी मिजाज में भेड़िए हैं, इनका चेहरा आपके माध्यम से जाना चाहिए।